नित्य डिजाइन ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात की है सिटी फैशन मेंस वेयर सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स रूबरू श्री देवी थिएटर लाइफस्टाइल मेंस वेयर राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग रूबरू मालापल्ली मस्जिद जरूर तशरीफ लाएं माहे रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस टी शर्ट शर्ट ट्राउजर शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडर गारमेंट इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तियाब है क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जासिब नजर बना दे बदलते फैशन के लिए हमारे मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े शादी ब्याह दिगर तकारीफ के लिए शानदार कलेक्शन माहे रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ तो जरूर तशरीफ लाए सिटी फैशन सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स रूबरू श्री देवी थिएटर लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर रूबरू मालापल्ली मस्जिद सेल नंबर 9010456631 और 9948888980 फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप देख रहे हैं प्रवास टीवी प्रवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से हजरत जाबर रजी अल्लाह से रवायत है एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो आगाज से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां मरकज की बीजेपी सरकार अदानी ग्रुप के धांधलियों की कर रही पर्दापोशी और पार्लियामेंट सेशन में मरकज का गैर जमहूरी तर्ज अमल बीआरएस एमपी का वॉकआउट वो एहतजाज सड़कों रिहायशी इलाकों और चबूतरों पर बैठक करने वालों पर पुलिस की होगी कार्रवाई पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा नौजवान वक्त की कदर करे पानी के नल पर मामूली झगड़ा एक फरीक ने दूसरे के खिलाफ की पुलिस में शिकायत दूसरे फरीक को पुलिस का फोन पुलिस के खौफ से इंटरमीडिएट तालिबा की खुदकशी अब खबरें तफसील से मरकज की गैर जमहूरी पॉलिसियों और अदानी ग्रुप की धांधलियों को मंजरेआम पर न लाने के खिलाफ बीआरएस अरकाने पार्लियामेंट का वॉकआउट पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाज दिल्ली पार्लियामेंट सेशन में मरकजी हुकूमत की जानिब से गैर जमहूरी तरीकों पर बीआरएस एमपी बीबी पाटिल ने अपने एमपी के हमरा बतौर एहतजाज पार्लियामेंट सेशन का वॉकआउट किया और पार्लियामेंट के हदूद में धरना किया इस मौके पर जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल ने बात करते हुए बताया कि मरकज में बरसर इख्तदार बीजेपी हुकूमत हेडनबर्ग रिपोर्ट को जाहिर किया लेकिन अदानी कंपनियों के धांधलियों के मुतालिक बात नहीं की अदानी कंपनियों के मुतालिक ना कोई रिपोर्ट पेश की और ना ही अदानी कंपनियों के धांधलियों के मुतालिक तहकीकात जारी किए उन्होंने मरकजी हुकूमत से जेपीसी के जरिए अदानी कंपनियों की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया मरकजी हुकूमत ईडी सीबीआई आईटी जैसे शोबों को हुकूमत अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन पर गैर जमहूरी तौर पर होने वाले जबरदस्ती धावों को रोकने का मुतालबा किया आतंक मचाया हुआ है पर एपीसी की मांग जो हमारी है उसको पूरा करने को तैयार नहीं है पहली बार हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में एपीसी की मांग पर ट्रेजरी बेंचेस के
ही जाकर अड़ंगा डालते हैं और हाउस को अध्ययन करते हैं। हम सारे विपक्षी नेताओं पर तो कार्रवाई हो जाती है, हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सस्पेंशन इन लोगों के लिए क्यों नहीं लागू होता है कि डिस्टर्ब कर रहे हैं? और जेपीसी, अगर आपने यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा है तो आप जेपीसी की मांग क्यों उठा रहे हैं, क्यों बचाव में लगे हैं? तो हम सब एकजुट होकर यही कहने आए हैं। अवाम आंखों की रोशनी प्रोग्राम से मुस्तफिद हो, सीएम केसीआर के मुताबिक सेहतमंद तेलंगाना की ख्वाहिश में हिस्सा ले जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। मगरूर मंडल के वेंकटापुर गांव में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने मकामी कैदी के हमरा इफ्तिताह किया। मकामी ग्राम पंचायत ऑफिस में आंखों की रोशनी प्रोग्राम कैंप के इनेकाद से मकामी अवाम ने अपनी आंखों की तशखीस करवाई। इस मौके पर टीबी अमले ने आंखों से मुतासिर अवाम की तशखीस करते हुए उन्हें मुफ्त दवाएं दी और चश्मे भी फराहम किए। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि देश में पहली बार सीएम केसीआर की जानिब से इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। देश में कहीं भी अमल में ना लाई जाने वाली इस स्कीम को सीएम केसीआर ने सेहतमंद तेलंगाना बनाने के लिए अमल में लाया। अवामी सुनहरी मौके से मुस्तफिद होने का उन्होंने मशवरा किया। आंखों की रोशनी खुसूसन हर शख्स के लिए जरूरी है। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ क्रांति, आईकेपी, एपीएम अनिल, नायब सरपंच लक्ष्मी, टीआरएस कायदे व दीगर मौजूद थे। राष्ट्रीय अभिवृद्धि संक्षेम सामाजिक कार्यक्रम प्रभुत्म प्रभुत्म सीएम केसीआर गार ఎక్కడ లేదు 29 రాష్ట్రాల్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్న రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి సౌకర్యాలు లేవు. మీకు అందరికీ తెలుసు ప్రజల వద్ద పాలన ప్రభుత్వం ఎక్కడో ఉంది, వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. ఇవాళ నేను జడ్పీ చైర్మన్ అయినా 530 గ్రామ పంచాయత్ నా కంట్రోల్ ఉంటాయి. ఇటువంటి అయినా మనం సింపుల్ ఉంటాం, ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్తా, నేనే వెళ్తా, ఎవరిని నా దగ్గరికి రాని. ఏదన్నా పని ఉన్నా మీరు వాట్సాప్లో పెట్టండి, ఆ పని నాతోనైతే నేను చేస్తా, కాకుండా కాలేదని చెప్తా. तमाम सहूलियात से आरास्ता सरकारी बिल्डिंग का इंतखाब करते हुए सरकारी ओहदेदारान जर्नलिस्टों रिटायर्ड पेंशनर्स को दिए जाने का ओहदेदारान को जिला कलेक्टर का हिदायतनामा। एम्प्लॉयज पेंशनर्स जर्नलिस्टों के लिए हुकूमत की जानिब से बताए गए सरकारी अस्पताल से दूसरी जानिब तब्दीली के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तय खून किया। मुलाजमीन से मुशावरत के बाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के मुताबिक वेलनेस सेंटर और आरोग्य श्री अमले को हुक्मनामा जारी किया गया। अब उस वक्त मेपमा बिल्डिंग के साथ दीगर सरकारी बिल्डिंगों का मुआयना करते हुए तमाम सहूलतों से आरास्ता इमारत में मुंतकिल के लिए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी। नौजवान अपने कीमती वक्त को बर्बाद न करें, वालिदैन अपने बच्चों पर खास नजर रखें, पुलिस कमिश्नर सी नागराजू का मशवरा। देर रात सड़कों, रिहायशी इलाकों और चबूतरों पर बैठक जमाने वाले 150 से ज्यादा नौजवानों और 50 बाइकों को पुलिस ने ऑपरेशन चबूतरा करते हुए लिया हिरासत में। उन्होंने कहा कि नौजवान ड्रग्स और दूसरी आदतों का शिकार हो रहे, ताकीर से पता चले पर सरप्रस्तों के लिए सदमे का बास बन रहा। इस सिलसिले में महकमा पुलिस की जानिब से अभी तक 300 नौजवानों के सरप्रस्तों की काउंसलिंग की गई। ऑपरेशन चबूतरा किया जा रहा। नंबर टाउन में वन टाउन और टू टाउन के एरिया में ऑपरेशन चबूतरा बोल के एक प्रोग्राम ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें अराउंड 120 बच्चों को रोड के ऊपर जो घूम रहे विदाउट एनी रीज़न, लावारिस जैसे जो घूम रहे उन लोगों को पकड़ के लाए और प्रॉपर काउंसलिंग किए थे, ऐसे नहीं घूमना विदाउट रीज़न, ऐसा ना रात में नहीं घूमना करके, कुछ कारोबार करके गुजारना करके उन लोगों को ब्रीफ करके बोल दिए इसमें। और अराउंड 55 गाड़ियाँ भी सीज़ किए, उस गाड़ियों का पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके कल प्रॉपर एक्शन ले लेंगे। हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान मुबारक के पुरौनक मौके पर मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में खवातीन के लिए नमाज तरावी का अहतमाम, खुसूसी दिलचस्पी वो खुसूसी फंड्स की मंजूरी और कामयाब नुमाइंदगी पर मकामी अवाम ने MIM सीनियर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम को पेश की तहनियत और शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया कॉलोनी कमेटी हॉल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हलका 60 मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की निगरानी में
रमजान मुबारक की चांद रात से नमाज तरावी का अहतमाम किया जा रहा। वासरे के मौसमी गर्मा के पेश नजर मुसल्लियों की सहूलत के लिए अब्दुल गफूर मुहिम मजलिस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ने मोहम्मदिया कमेटी हॉल को एक साल कबल एयर कंडीशनिंग से आरास्ता करवाया था। अब्दुल गफूर मुहिम की कामयाब नुमाइंदगी पर हर साल की तरह इस साल भी कम्युनिटी हॉल में तामीरी व तरक्याती कामों के लिए फंड की मंजूरी अमल में आई है। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल के इलेक्ट्रिक वायरिंग दरवाजा और खिड़कियों की मरम्मत की गई और कम्युनिटी हॉल को रंग व रोगन करते हुए इमाम साहब के लिए अलाहिदा से रूम तामीर किया जा रहा। मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ साहब तरावी में रोजाना दो पारे सुनाएंगे। नमाज ईशा ठीक 8:30 पर अदा की जाएगी। अब्दुल गफूर मुकीम मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए सदर मजलिस नकीबे मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामान हैदराबाद कायदे मुखनिना हबीबे मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर तेलंगाना असम्बली व रुकने असम्बली चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद अहमद बलाला निजामाबाद इंचार्ज रुकने असम्बली मलकपेट हैदराबाद श्रीमती नीतू किरण मेयर निजामाबाद इद्रीस खान डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल सदर जिला मजलिस निजामाबाद और चित्रा मिश्रा इंचार्ज कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो एडिशनल कलेक्टर डिप्टी इंजीनियर मोहम्मद मुश्ताक एई मिस्टर शंकर का शुक्रिया अदा किया। मकामी आवाम की जानिब से मोहम्मद अब्दुल गफूर मुहिम की गुलपोशी की गई। इस मौके पर इमामो खतीब मस्जिद स्टेशन हाफिज मोहम्मद असद साहब मुफ्ती साजिद साहब मोहम्मद जकीउद्दीन वो दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इस साल भी कम्युनिटी हॉल के लिए बजट लेकर इमाम साहब के लिए एक रूम तैयार कर चुके हैं और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के महीने में तरावी का नज़्म रखा गया है और ख़ास तौर इस तरावी में ख़वातीन के लिए रखा जाता है। हर साल यहाँ पर ख़वातीन के लिए इंशाअल्लाह इस साल भी तरावी का नज़्म अमल में लाया जाएगा चांद रात से और इशा की नमाज 8:30 अदा की जाएगी और इशा की नमाज के बाद तरावी सुनाएंगे हमारे मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ साहब सुनाएंगे रोज़ाना और मैं इस मौके पर रमज़ान के महीने में तमामी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सबको रमज़ान नसीब करे रमज़ान की सादतें और बरकतें अल्लाह हमको नवाजे और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे रोज़ों को हमारे तरावी सुनने को कबूल करे। तलबा बुलंद हौसला खुद एतमादी के साथ इम्तिहान की तैयारी करें तालीम पर तवज्जो दें वक्त ज़ाया ना करें और खासकर सख्त जरूरत पर सेलफोन्स का इस्तेमाल करें और इंटरनेट वो सेलफोन से दूर रहें। वक्त कीमती है और तालीम कामयाबी की सीढ़ी और इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी कौमी सदर एडवोकेट फहीम कुरैशी का बयान और इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से जिले सतह पर तालीमी शोर बेदारी मुहिम कौमी सदर का जिला सदर रफी कुरैशी ने किया पुरतपाक खैर मकदम ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी रजिस्ट्रार की जानिब से डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्फ्रेंस तालीमी शोर बेदारी के उनवान पर रखी गई थी जिसमें शिरकत करते हुए फहीम कुरैशी एडवोकेट सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी तलबा को तालीमी अहमियत पर लेक्चर दिया और उनके हाथों से कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई थी। इस मौके पर ऑल इंडिया सदर फहीम कुरैशी एडवोकेट के हमरा जिला सदर रफी कुरैशी निजामाबाद अर्बन सदर रजा कुरैशी भी मौजूद थे। इस मौके पर फहीम कुरैशी एडवोकेट कौमी सदर को रफी कुरैशी जिला सदर की जानिब से गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनियत पेश की गई। फहीम कुरैशी रफी कुरैशी ने दावा किया कि ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी बरादरानी कुरैश के तमाम मसाइल पर मुल्क भर में नुमाइंदगी करते हुए मसाइल को हल कराने वाली वाहिद कमेटी है। चूंकि हम सबका ताल्लुक ज्यादातर जमीयतुल कुरैश से है तो आप लोगों को एक चीज ये बता दूं मैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में
जो अल खुरैश अन निकाह मिन सुन्नती एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा है, इसमें जो जिम्मेदारान है जैसे हाजी मोहम्मद अनवार कुरैशी है, ये गाजियाबाद से हैं, हाजी मोहम्मद अली साहब है ओखला से हैं, इसी तरीके से हाजी सदरुद्दीन साहब, आसिफ कुरैशी साहब, इरफान कुरैशी साहब, जनाब सलीम अहमद साहब, और ख़वातीन भी इसमें शामिल हो रही जैसे मोहतरमा खमोनिसा साहिबा एडवोकेट है और मोहतरमा मोइन खलील साहिबा पुणे से भी हैं। ये सब अपने जज्बे की खातिर ये चाहते हैं कि जहां कभी भी निकाह हो उसको आसान करने के लिए ये लोग अपने जज्बे का इजहार करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तमाम हिंदुस्तान के लोगों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हम भी उसी सिलसिले में आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज जो हमारे अरशद पाशा कुरैशी साहब के जो हमशीरा का जो निकाह है अल्हम्दुलिल्लाह वो आसान तरीके से हो रहा है यहाँ पर, और इंशाल्लाह ये जो आसानी के साथ बिल्कुल सादगी के साथ जो निकाह किया जा रहा है ये एक हिंदुस्तान में इंशाल्लाह मिसाल बनेगी। और इनका एक और एक मंशा है कि लोग खड़े होके बफे सिस्टम में, लोग खड़े होकर खाना खाते हैं बफे सिस्टम में, तो हमारे पास इंशाल्लाह बैठ के खाना खाने के लिए भी, और आप लोगों को ये भी इशारा किया जाता है, और आज ये प्रैक्टिकली अमल में हम सारे हिंदुस्तान को बताएंगे कि भोजन वाले बैठ के खाना खिलाते हैं खड़े लेके नहीं, इंशाल्लाह ये मैसेज सारे हिंदुस्तान को भी जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए जो जहेज की नुमाइश नहीं होती, यहाँ पर कोई नुमाइश नहीं हो रही, बड़ी खुशी की बात है कि सुन्नत के जितने तौर तरीके हैं उसको अमल में लेके आ रहे हैं यहाँ पर, आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। नासरीन एक नजर वक्फे की ओर। निजामाबाद में रब्ता करे बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए। मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत। हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले। मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में वीजा की फराहमी रोशन मुस्तकबिल के लिए। एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड थर्ड फ्लोर 303 सनता एक्सप्रेसिव कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राबता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामु अलैकुम।
मोहतरम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, शहर निजामबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू डाले और वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नज़र प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए, वो एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज एक साल में बहुत कारामद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मरतबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान इब्तदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए 9849431967 और 7396083 05 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानी। हॉस्पिटल से पैसा कमाना नहीं, हॉस्पिटल से अवाम की खिदमत करना भी मकसद है और इसी मकसद के तहत शैलजा हॉस्पिटल में चाइल्ड बर्थ क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया, ताकि हामिला खवातीन को हमल के शुरू से आखिर यानी 9 माह तक किस तरह रहना है, क्या इस्तेमाल करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है और किन किन चीजों से बचना है, इस पर मुकम्मल मालूमात दी गई। नॉर्मल डिलीवरी और हामिला खवातीन को खौफ से निकाल कर मजबूत बनाना मकसद है, डॉक्टर शैलजा का बयान। शहर के खलीलवाड़ी इलाके में वाकई मशहूर हॉस्पिटल शैलजा हॉस्पिटल में माहिर निस्वान डॉक्टर शैलजा की निगरानी में चाइल्ड बर्थ क्लासेस का आगाज किया गया, जिसमें कई हामिला खवातीन ने शिरकत की। डॉक्टर शैलजा ने इस मौके पर खवातीन में शौर बेदारी पैदा करते हुए हमल के दौरान कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी गिजा, कौन सी आदत को अपनाना और किन किन चीजों और गिजाओं से बचना है, इस पर मुकम्मल मालूमात दी और बात करते हुए बताया कि खवातीन को डिलीवरी के खौफ से निकालने और जिस्मानी व दिमागी तौर पर मजबूत करने के साथ साथ शौर बेदारी के लिए शैलजा हॉस्पिटल में एक दिन के वक्फे से चाइल्ड बर्थ क्लासेस को रखा गया। खवातीन से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा हॉस्पिटल मोहम्मद कैफ भी मौजूद थे। आज 19 मार्च के दिन हमने चाइल्ड बर्थ क्लासेस कंडक्ट किया है शैलजा हॉस्पिटल में। इस क्लासेस के लिए बहुत सारे लोग आए अपने हस्बैंड के साथ, अपनी मम्मी और सास के साथ, और यहाँ पर आकर सारे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचेस सब कुछ हमने उनसे करवाया है और सबसे ज़रूरी बॉल एक्सरसाइजेस भी हमने एक एक जना से करवा के दिखाया है। और ये एंटीनेटल क्लासेस कंडक्ट करने का एक ही मोटो है कि आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कॉन्फिडेंटली पूरा कर सको। ये मत डरो कि नॉर्मल होगा ऑपरेशन होगा, पूरे 9 महीने हमें कैसे रहना है, जब डिलीवरी का टाइम आएगा कॉन्फिडेंट कैसे रहना है, पॉजिटिव सोचना है। ये पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस के लिए ही हमने एंटीनेटल क्लासेस कंडक्ट किए हैं। ये क्लासेस हम हर महीने 3rd संडे को कंडक्ट करेंगे। हम चाहते हैं सब इसका खूब फायदा उठाएं। मोरताट एरगटला के तुर्ती की अवाम का मुअत्तलशुदा पोस्टमैन सैयना के खिलाफ हाईवे पर रास्ता रोको एहतजाज। मोरताट के नेशनल हाईवे 63 पर एरगटला मंडल थोरती विलेज से ताल्लुक रखने वाले अवाम का पोस्टमैन सैयना के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनासम क्या गया, जिसकी वजह से 15 मिनट तक ट्रैफिक में खलल रहा। वाजरे के पोस्ट ऑफिस में अवाम की जानिब से हर महीने में रुपयों को जमा किया जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के तहत रकम जमा की जाती है, जिसका पोस्टमैन सैयना ने गैर कानूनी तौर पर इन रुपयों को इस्तेमाल करने का मामला गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2022 को मंजरेआम पर आया, जिस पर पोस्टमैन सैयना को मुअत्तल कर दिया गया। जिले ओहदेदारान महकमा डाक एसपी राजा नरसा गौट ने बीपीएम थोरती की बेकायदगियों की जाँच की। बादशाह एएसपी सुरेखा ने महकमा डाक के ओहदेदारान की अमला तफ्तीश करते हुए मुतासरीन को यकीन दिलाया था कि मुतासरीन की रकम वापस करने की जिम्मेदारी
महकमा डाक के अफसरान की है और बताया था कि 50,000 रुपए तक धोखाधड़ी का इर्तिकाब करते हैं तो उनके खिलाफ एक हफ्ते के अंदर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मगर इस वाकये के 6 महीने गुजर जाने के बावजूद पोस्टमैन सैयन्ना पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महकमा डाक के अहदेदारान राजा नरसा गौट और सुरेखा की खामोशी पर शक व शुभात किए जा रहे। इस तरह तोड़ती अम्बेडकर संगमों के कैदी ने कहा कि पोस्टमैन सैयन्ना का ताल्लुक बीसी तबके से है। वो एससी कोटे के तहत इंद्रामा कॉलोनी में घर का अलॉटमेंट किया और ये घर उनकी माँ गंगू के नाम पर है। अम्बेडकर संगमों के लीडर्स ने मुतालिबा किया कि एससी कॉर्पोरेशन फौरी इस पर कार्रवाई करे ताकि उसकी तहकीकात की जाए। तुर्की पोस्टमैन ने 40 लाख का गबन किया है, फौरन उस पर कार्रवाई की जाए और मुतासिरों को उनकी रकम वापस दी जाए, एहतजाजियों ने मुतालिबा किया। हमारा नाम है माजी सरपंच तुर्की लोग बीपीएम अक्रम आलकू बीपीएम ने वेंटने पुलिस लो अरेस्ट చేయాలని సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద కట్టిన డబ్బులని డిపాజిట్ దారులకు వెంటనే చెల్లించాలని బీపీఎం అవినీతి అక్రమ ఆస్తులపై సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని బీపీఎం అక్రమ ఆస్తులని సీజ్ చేయాలని పై మా డిమాండ్లని కోరుతూ మేము ఇక్కడ మోర్తాడు మండలం మోర్తాడులో మాకు ఇక్కడ మా ఏర్గడ్ల మండలం మోర్తాడుకి వస్తుంది కాబట్టి పోస్టు ఇక్కడ వచ్చి మేము ధర్నా చేసినాం। ఇప్పటిదాకా కేసు అయ్యి 6 నెలలు అవుతుంది, 6 నెలల నుంచి పోలీసులు కానీ అరెస్ట్ చేస్తలేరు, ఎఫ్ఐఆర్ కూడా బుక్ చేయలేరు। ఆ పోస్టు వాళ్ళకు ఫోన్ చేస్తే ఆఫీసర్లకు అధికారులు కుమ్మక్కాయి లంచాలు తీసుకున్నారు, మరి ఏం జరిగిందో మళ్ళీ అదే ఊళ్ళో బీబీఎం పోస్ట్ ఇస్తామని చెప్పి ఊళ్ళో చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు। ఎవరి మీదకైనా మర్రవాడుతున్నాడు, డబ్బులు ఇవ్వమంటే వాళ్ళకు కట్టిన డిపాజిట్ దాళ్ళకు ఇవ్వమంటే రాత్రికి కాల్ చేయించి బెదిరించడము, లేకుంటే ఇంటికి పోయి పోవద్దని చెప్పడము, వాళ్ళు రమ్మంటే మేము రాము, మాకు అద్దు అయిన కడి చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకు బ్యాంకుల పైసలు వేస్తలేడు ఇవరకు। ఇట్లా కమస్తం 40 లక్షలు తీసుకున్నట్లు రుజువులు ఉన్నాయి, కొన్ని బుక్కులు ఉన్నాయి, కొన్ని కట్టినవి బుక్కులు ఇవ్వలేడు, దాని వాళ్ళకు సుమారు 40 లక్షలు అక్రమాసుల పైన గత 6 నెలల కింద కంప్లైంట్ ఆల్రెడీ బాధితులు ఇచ్చిర్రు, పేపర్ల కూడా వచ్చింది, తర్వాత పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి రాజా నర్సగౌడ్ సుకన్ సురేఖ అనే ఇద్దరు కొట్టి గ్రామానికి వచ్చి మేము వాపస్ డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి పోయిర్రు, ఇప్పటికి 6 నెలలు అవుతుంది ఇప్పటి వరకు వాపస్ రాలేరు। వాళ్ళ అధికారులు కుమ్మక్కాయి ఆస్తులు మినిమం 6-7 కోట్ల దాకా సంపాదించాడు ఆయన 15 ఏళ్లలో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయని డబ్బులు అడుగుతామని అన్నారు। पुलिस स्टेशन का फोन वो घबराहट से इंटर के तालिबा ने की खुदकशी। जिले के सालोरा मंडल मुस्तकर में टी रमेश की लड़की वैष्णवी इंटर तालिबा ने पुलिस के फोन के खौफ से खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक सालोरा मुस्तकर के रहने वाले इंटर की तालिबा ने पड़ोसी से सुबह पानी के नल के पास हुई मामूली झड़प पर पड़ोसी ने इस मामले को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले की तहकीकात के लिए सुबह पुलिस स्टेशन से फोन आने पर घबराकर वैष्णवी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। मामूली झड़प पुलिस केस के डर से वैष्णवी की खुदकशी से पूरे गांव में अफसोस जाहिर किया जा रहा। मकामी आवाम का कहना है कि अगर पुलिस फोन करके वैष्णवी और उसके घर को खौफ में ना लाती और रास्ते पुलिस स्टेशन बुलाती तो ये हादसा पेश ना आता और आज वैष्णवी जिंदा होती। एक फोन की वार्निंग ने खामखा एक परवान चढ़ने वाली जिंदगी के चिराग को बुझा दिया। इतला मिले पर पुलिस ने वैष्णवी की लाश को बोधन सरकारी दवाखाना पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। पड़ोसी की शिकायत पर पड़ोसी शुभा सुरेश को हिरासत में लेते हुए तहकीकात किए जाने की बात बताई। ग्रामीण चंद्र टेंकल रमेश सन्नाव परमेश लिंगायत गारु पीएसकोची దరఖాస్తు ఇచ్చిన విషయం అనగా తన కూతురు వైష్ణవి వయస్సు 19 సంవత్సరాలు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది అమ్మాయి। నిన్న సాయంత్రం అందాజా 5 గంటల సమయంలో తన ఇంటి వద్ద గల కులాయి వద్ద ఈ పాప వీళ్ళ మదర్కు మరియు శోభ అనే సాలూర గ్రామానికి చెందిన మహిళకు మధ్యలో చిన్న గొడవ జరగడం జరిగింది। దాని విషయంలో శోభారు పోలీస్ స్టేషన్లోకి వచ్చి జరిగిన గొడవ గురించి దరఖాస్తు ఇవ్వడంతో ఈ విషయం వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్కు తెలియపరచడంతో అమ్మాయి మనస్తాపం చెంది తనపైన కేసు అయిందేమో అని చెప్పేసి మనస్తాపంతో ఈరోజు ఉదయం
మూడున్నర గంటల ప్రాంతంలో ఇంట్లో గల సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఆమె చున్నీతో ఉరేసుకొని చనిపోవడం జరిగిందని చెప్పేసి తన చావుకు కారణం శోభ మరియు సురేష్ అని చెప్పేసి నోట్ రాసుకోవడం జరిగింది. హర్ సొసైటీకి నిగరానీ మే స్టాక్ గోదామ్ కు అమల్ మే లాయా జా రహా కిసాన్ ఇన్ స్టాక్ గోదామో సే ముస్తఫిద్ హు. నాబార్డ్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ శ్యామ్ కుమార్ కా బయాన్. एटपरी मंडल के जालकापेट गांव के रैतु वेदिका में गोदाम तरखेती शोबे की क्यादत में किसानों में शोबेदारी प्रोग्राम का इनका अमल में लाया गया. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी नाबार्ड प्रोग्राम ओहदेदार श्याम कुमार ने हिस्सा लेते हुए बताया कि किसान अपनी फसलों को मार्केट में सही दाम न आने पर गोदामों में स्टॉक रखा जा सकता है. स्टॉक किए गए अशिया को कानूनी तौर पर जरूरत पर लोन भी दिया जाता है. किसानों की फलाह के लिए नाबार्ड शोभा अहम फैसलों के जरिए इंसाफ करता है और स्टॉक किए गए फसलों को सही दाम आने पर ही फरोख्त किया जा सकता है. नाबार्ड शोबे के जरिए किसानों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाती है. किसान इस मौके से मुस्तफिद होने का मशवरा दिया. हर किसान को नाबार्ड शोबे में अपनी मेंबरशिप दर्ज कराते हुए किसानों को हासिल होने वाली सहूलतों से मुस्तफिद हो. इस प्रोग्राम में जालकापेट पीएससीएस चेयरमैन एम नरेंद्र, मंडल जरी उहदेदार एस रामेश्वर, नायब सरपंच विजय कुमार, सबेख सोसाइटी चेयरमैन बी लक्ष्मण, पोतन्ना सोसाइटी डायरेक्टर किसान व दीगर मौजूद थे. మరియు నియంత్రణ సంస్థ తరఫున రైతులకు అవగాహన సదస్సు మరియు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ అవగాహన సదస్సులో ముఖ్యంగా స్పీకర్ గా మన శ్యామ్ కుమార్ సార్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి రావడం జరిగింది. ఈ సమస్య గురించి కూడా చాలా వివరంగా మీ అందరూ కూడా వివరించారు. అట్లా ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి గిడ్డంగులు వేరే ఒక కార్పొరేషన్ ముఖ్యంగా మన సారత్పూర్ డైరీ ఫారం దగ్గర మన దగ్గర ఎక్కువ దీంట్లో ప్రభుత్వం నుంచి ఉన్నటువంటి అజమాయిషి కాబట్టి దాంట్లో రైతులకు ఏ పద్ధతిలో పంటని అవసరం ఉన్నప్పుడు మంచి రేటు వచ్చినప్పుడు అమ్ముకోవడం కోసం నిల్వ ఉంచుకోవాలనే దాని ముఖ్య ఉద్దేశం. పంట పడాలని అనుకుంటే ఏమైతుందంటే దళారులు వ్యాపారం అంతా కూడా మార్కెట్లకు మాలు రాగానే బట్టలు కానీ జొన్నలు కానీ మొక్కలు కానీ సీజన్లో మాలు రాగానే ధరగానే దించేస్తుంది. మన अवामी हमदर्दी के लिए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की कोशिश जारी. कांग्रेस पार्टी का अब खात्मा हो चुका है. रियासत की तरक्की के लिए कोशा स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व उनके खानदान पर इल्जाम की मसम्मत. टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत रेवंत रेड्डी का असेंबल स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके दो लड़कों पर बेचा इल्जाम लगाए जाने पर मोसरा मंडल बीआरएस कैदी ने बरहमी जताते हुए मोसरा बीआरएस मंडल सदर हनुमंत रेड्डी की क्यादत में रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया. कांग्रेस रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की. इस मौके पर जेपीडीसी जी भास्कर रेड्डी रायतु बंधु कोऑर्डिनेटर पी रामलू ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत में पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के को हर मैदान में तरक्की की राह पर चलाते हैं. इन कायदीन पर रेवंत रेड्डी के इल्जाम की सख्ती से मसम्मत की. रेवंत रेड्डी का मकसद अवाम को सिर्फ और सिर्फ बहकाना है. बांसवाड़ा हल्के की तरक्की से बौखलाहट के शिकार रेवंत रेड्डी के गलत इल्जाम आयद करना गलत बात है. उन्होंने रेवंत रेड्डी को इंतबाह दिया कि अगर अंता से ऐसी गलत बयानी या झूठे इल्जाम आयद करने पर बुरा अंजाम होगा. तेलंगाना में कांग्रेस का खात्मा हो चुका है. अवाम इस बात को जानती है और जल्द ही रेवंत रेड्डी को सबक सिखाएगी. इस प्रोग्राम में मंडल सेक्रेटरी सहायक और बीसी सेल मंडल सदर लिंगैया, मंडल यूथ सदर पी हरीश, तिम्मापुर सरपंच भूमन्ना, चिंताकुंटा नायब सरपंच एन स्वामी व दीगर मौजूद थे. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి మా బాన్సోడ కాన్స్టేషన్కి ఓ తండ్రి లాంటి వాడు గురువు లాంటి వాడు వారిని పట్టుకొని ఇష్టమున్నట్టు మాట్లాడాడు. వాడి స్థాయికి తగ్గ కాదు. వాడేదో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అంటుంది కానీ రాష్ట్రంలో వాడిని ఎవడూ పెద్దగా దగ్గర తీయట్లేదు. ప్రజలుని డబ్బులు ఇచ్చుకుంటా జనాల్ని జమ చేసి యాత్రలు చేస్తుండ్రు. వాడి యాత్రలు బ్యాత్రలు వాడు ఏం నడై వాడు నిన్న మొన్న అధ్యక్ష అయిండో మోహన్ మానాల మోహన్ రెడ్డి. వాడెవడు వాడెంత సార్ కుటుంబాన్ని సార్ పిల్లల్ని సార్ని గురించి మాట్లాడే స్థాయా వాడి? గతంలో మర్చిపోయిండా? గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాడి పార్టీని కాలు మొక్కినా కానీ పదవి వెళ్ళింది నా కొడుకు. ఇలా సార్ గురించి మాట్లాడే అర్హత వాడికి ఉందా? ఆ స్థాయి ఉందా? ఖబర్దార్ మోహన్ రెడ్డి, నీ స్థాయి చూసి మాట్లాడు.
इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। मरकज की बीजेपी सरकार अदानी ग्रुप के धांधलियों की कर रही पर्दापोशी और पार्लियामेंट्री सेशन में मरकज का गैर जमहूरी तर्ज अमल, बीआरएस एमपी का वॉकआउट वो एहतजाज। सड़कों, रिहायशी इलाकों और चबूतरों पर बैठक करने वालों पर पुलिस की होगी कार्रवाई। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा, नौजवान वक्त की कदर करे। पानी के नल पर मामूली झगड़ा, एक फरीक ने दूसरे के खिलाफ की पुलिस में शिकायत, दूसरे फरीक को पुलिस का फोन, पुलिस के खौफ से इंटरमीडिएट तालिबा की खुदकशी। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से और देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।